इधर फतेहपुर में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली के बाकरगंज इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। साथ साथ आप अचानक कभी हालात बिगड़ जाएं तो उस पर कैसे काबू किया जाए, इस बारे में भी पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। शहर के सबसे व्यस्त इलाके चौक, लाला बाजार, बाकरगंज में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और दंगा नियंत्रण की ट्रेनिंग दी गई। एसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को सतर्क किया गया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान किसी भी तरह से भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लोगों से घरों में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार भी मनाने की अपील की गई। इधर फतेहपुर में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली के बाकरगंज इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। साथ साथ आप अचानक कभी हालात बिगड़ जाएं तो उस पर कैसे काबू किया जाए, इस बारे में भी पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। शहर के सबसे व्यस्त इलाके चौक, लाला बाजार, बाकरगंज में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और दंगा नियंत्रण की ट्रेनिंग दी गई। एसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को सतर्क किया गया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान किसी भी तरह से भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लोगों से घरों में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार भी मनाने की अपील की गई। इधर फतेहपुर में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली के बाकरगंज इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। साथ साथ आप अचानक कभी हालात बिगड़ जाएं तो उस पर कैसे काबू किया जाए, इस बारे में भी पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। शहर के सबसे व्यस्त इलाके चौक, लाला बाजार, बाकरगंज में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और दंगा नियंत्रण की ट्रेनिंग दी गई। एसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को सतर्क किया गया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान किसी भी तरह से भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लोगों से घरों में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार भी मनाने की अपील की गई। इधर फतेहपुर में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली के बाकरगंज इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। साथ साथ आप अचानक कभी हालात बिगड़ जाएं तो उस पर कैसे काबू किया जाए, इस बारे में भी पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। शहर के सबसे व्यस्त इलाके चौक, लाला बाजार, बाकरगंज में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और दंगा नियंत्रण की ट्रेनिंग दी गई। एसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को सतर्क किया गया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान किसी भी तरह से भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लोगों से घरों में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार भी मनाने की अपील की गई। इधर फतेहपुर में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली के बाकरगंज इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। साथ साथ आप अचानक कभी हालात बिगड़ जाएं तो उस पर कैसे काबू किया जाए, इस बारे में भी पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। शहर के सबसे व्यस्त इलाके चौक, लाला बाजार, बाकरगंज में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और दंगा नियंत्रण की ट्रेनिंग दी गई। एसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को सतर्क किया गया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान किसी भी तरह से भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लोगों से घरों में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार भी मनाने की अपील की गई।